कैसे हैं आप सब लोग। तो पहली बात, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से बिताइए और सतर्क रहिए और मास्क पहन के बाहर निकलिए। जो भी करना है मास्क पहन के बाहर जाइए, कुछ भी करना है तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से बिताइए। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सीसीएमसी और कुक के बारे में। मैं बहुत सारे सवाल ऐसे देखा कि कुक और सीसीएमसी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं सोचा कि कुक के बारे में और कैसे कुक में जहाज में जाना है, कैसे सीसीएमसी करके जा सकते हो या ओपन सीडीसी करके कैसे जा सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। सैलरी वगैरह कैसे, क्या प्रमोशन मिलता है, सब कुछ बताऊंगा। तो मेरा वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल का जो डेली व्यूअर्स हो, आप लोग क्या देखना चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा कैसे है, मतलब कैसे होता है या इस साल कैसे हो रहा है कोरोना के वजह से, क्योंकि दुर्गा पूजा अभी सामने ही आ रहा है और 3 दिन बाद दुर्गा पूजा चालू हो जाएगा। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा कैसे होता है, इस बार तो कुछ खास पैंडल वगैरह पूजा नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बोलो कि जितने भी व्यूअर्स हो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बोलो कि हाँ मैं कोलकाता का दुर्गा पूजा देखना चाहता हूँ। तो मैं फिर उसके ऊपर देखूंगा, अगर मुझे सही मौका मिलेगा तो मैं दुर्गा पूजा का पांडाल का या मूर्तियों का वीडियो बनाऊंगा, पूजा कैसे होता है इधर वेस्ट बंगाल में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग देखना चाहते हो। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो वो भी लिखो, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यस लिखो और नहीं तो नो लिख दो। तो जो भी है, तो आज का टॉपिक चालू करता हूँ। तो आज का जो ये है कुक के बारे में, देखिए आप कुक पहले तो एज ए सीसीएमसी करके जा सकते हैं। सीसीएमसी 6 महीने का कोर्स होता है। आप कोई भी डीजी अप्रूव कॉलेज में आप जाओ जहाँ पे जीपी रेटिंग होता है, ज्यादातर कॉलेज में जीपी रेटिंग भी होता है और सीसीएमसी कोर्स भी होता है, वो कुक के लिए होता है। 6 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद आप शिप में जाओगे। शिप में जाने के बाद 6 महीने के बाद आपको सीओसी मिल जाता है। 6 महीने कोई भी वेसल पे सेल कर लिए, आपके पास अगर सीसीएमसी कोर्स है और आपका सीडीसी इंडियन सीडीसी है तो आपको सीओसी मिल जाएगा। जैसे एबी और ऑयलर का वॉच कीपिंग निकलता है वैसे ही कुक का सीओसी होता है, तो सीओसी आ जाएगा आपको 6 महीने में, आपको सीओसी मिल जाएगा आपके पास अगर सीसीएमसी कोर्स है। सीसीएमसी कोर्स नहीं है तो शायद ओपन सीडीसी है, तो शायद कुछ 12 महीने या 15 महीने ऐसे कुछ लग रहा है ऐसे वॉच कीपिंग के तरह ही। और अगर आपके पास सीसीएमसी है तो 6 महीने में आपको सीओसी मिल जाएगा, उसके बाद आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो। तो ऐसे कुक जॉब मिलना बहुत आसान है, कुक को सैलरी मतलब जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि कुक का डिमांड है मार्केट में, क्योंकि कुक थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आपका निकलते भी बहुत कम है, क्योंकि कुक ज्यादा कॉलेज में नहीं है और कैपेसिटी भी बहुत कम होता है। जैसे हम लोग कॉलेज में जीपी रेटिंग का कैपेसिटी था 120 और कुक का कैपेसिटी था सिर्फ 40, तो निकलते भी बहुत कम है और इसीलिए डिमांड भी है और कुक को सैलरी भी बहुत अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाता है। तो आप सीसीएमसी पहले बार सीसीएमसी आप कोई भी कोर्स कॉलेज से कर सकते हो, कोई भी डीजी अप्रूव कॉलेज में जाओ जहाँ पे सीसीएमसी होता है आप कर लो, कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब जगह अच्छा है। और कोई भी डीजी अप्रूव कॉलेज से आप कर लो सीसीएमसी। सीसीएमसी करने के बाद या तो आप ओपन सीडीसी भी निकाल सकते हो, अगर आपका एज ए कुक कहीं पे कोई भी होटल में आप, या तो आपका होटल का कोई भी कोर्स किया हुआ है होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड, डिप्लोमा क्या क्या बैचलर डिग्री वगैरह जो भी मतलब होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर किया हुआ है तो आप लोग ओपन सीडीसी निकाल लो, 5 STCW कोर्स करो और इंडियन सीडीसी निकाल लो। कोर्स नहीं है तो आप कहीं पे काम किए हो एज ए कुक, आपका एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी, मतलब कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं जो होटल में काम करते हैं तो वहां पे खाना बनाते हैं तो कुकिंग का एक्सपीरियंस रहता है बहुत सारे, मतलब खाना के अगर आप बनाने का कोई भी होटल में कहीं पे भी बनाने का एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस लेके और इंडियन सीडीसी और 5 STCW कोर्स लेके आप जा सकते हो। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, होटल मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीसीएमसी कोर्स कर लो, कुछ 1,60,000-70,000 ये 2 लाख के अंदर ही हो जाता है, 1,60,000-70,000 के अंदर ही हो जाएगा, ज्यादातर 2 लाख लग सकता है तो इसके अंदर ही हो जाएगा। आपको इंडियन सीडीसी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कॉलेज से, तो फिर कॉलेज मतलब इंडियन सीडीसी मिलने के बाद आप कोई भी कंपनी से पहले स्टार्ट कर लो। आप छोटे से छोटे कंपनी, कुक का कुछ नहीं है कि आप बड़े जीआरटी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, टैंकर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कुक का बस यही है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छा खाना बनाना आना चाहिए बस,
और ये देखता है कि कितने लोगों का आप खाना बना रहे हो। मतलब आप अकेले अगर आप टक पे जाओगे तो आप 10-12 लोगों के ही खाना बनाओगे, अगर आप बड़े वेसल पे जाओगे तो फिर वहां पे 22, 25, 26, तो उस वो थोड़ा एक्सपीरियंस देखता है कि आप कितने का खाना बना सकते हो। आपको ये आना चाहिए कि इतने लोगों के लिए कितना चावल जरूरत है, कितना ये जरूरत है, कितना आपको मसाला चाहिए, ये सब जो क्वांटिटी है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। तो अगर आपको अच्छे से खाना बनाना आता है, आपको अगर शौक है खाना बनाने का, खाना बनाने में थोड़ा तो मेहनत लगता है क्योंकि सबका खाना आपको अकेले ही बनाना पड़ेगा। आपको मतलब सुबह एकदम 5 बजे से लेके फिर रात 8 बजे 8:30 बजे तक भी कुक फ्री नहीं हो पाता है क्योंकि इतना लोगों का पूरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम में कोई स्नैक्स, फिर रात का खाना, सब कुछ बनाने में अकेला ही बनाना पड़ता है। अगर आप बड़े वेसल्स में मेन प्लेट में जाते हो तो आपको एक जीएस मिल जाएगा, नहीं तो आप सिर्फ टग सप्लाई वेसल में जा रहे हो तो आपको एक ही कुक मिलेगा। टग सप्लाई वेसल, एमबीसी, कहीं पे भी जा रहे हो एक ही कुक मिलेगा। अगर आप सिर्फ बड़े कोई भी वेसल्स में, जहाँ पे मतलब बड़े जीआईटी का कोई भी वेसल्स में, बड़े कंपनी में जा रहे हो, तो वहां पे आपको दो कुक मिल सकता है, एक चीफ कुक मिलेगा, एक या तो जीएस मिलेगा या तो ट्रेनिंग कुक। प्रमोशन ऐसे मिलता है, पहले आपको एज ए जीएस जाना पड़ेगा। टग सप्लाई वेसल में जा रहे हो तो बहुत बार पहली बार ही आपको एज ए कुक ही भेज देता है, सैलरी भी अच्छा खासा दे देता है। मतलब एज एबी ऑयलर तो सैलरी आपको अच्छा ही मिलेगा, 15,000 तक टग में स्टार्टिंग में 10, 12, 15 भी मिल जाता है। और एकदम केन के का स्टार्टिंग बोलूं तो केन के में 8,000 मिलता है कुक को स्टार्टिंग में, और नहीं तो उसके बाद एक सेलिंग के बाद 15,000 तक दे देता है केन के। और दूसरे जितने भी कंपनी है, पोलस्टार ले हो गया, ओएसएल हो गया, ओएसएल में बहुत, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो बहुत सैलरी जाता है कुक का, 35,000, 40,000 भी चला जाता है। और नहीं तो आप पोलस्टार में जा रहे हो तो 20,000, 22,000, 25,000 इतना तो मिल ही जाएगा। कोई भी आप नॉर्मल कंपनी में जा रहे हो 25,000, 30,000 इतना कुक को मिल ही जाता है। कोई भी आप एमबीसी में जा रहे हो, कोई भी कोस्टल में भी कोई कंपनी में जा रहे हो, 25,000, 30,000, 20,000 के ऊपर ही सैलरी आपको मिल जाएगा। आप कोई भी बड़े वेसल्स में जा रहे हो, जैसे बाहर कोई सप्लाई वेसल्स में जा रहे हो, तो 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 इतना भी मिल जाता है। और अगर आप कोई बड़े कंपनी में जा रहे हो, आपका प्रमोशन होते होते जब आपको बड़े कंपनी, कोई भी मेन फ्लीट आईटीएफ कंपनी मिल जाएगा, तो उसके बाद चीफ कुक का सैलरी 1.5 लाख, 1,70,000 तक हाईएस्ट भी मैं सुना हूँ चला जाता है। तो सैलरी कुक का बहुत सही है। आपको एज ए पहले जीएस जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई कोई कंपनी सेकेंड कुक बनाता है, फिर जाके चीफ कुक बनाता है। ज्यादातर जीएस के बाद ही, जीएस के बाद 2-3-4 एक्सपीरियंस होने के बाद आपको चीफ कुक बना देता है। बहुत कोई ऐसा भी करता है कि छोटे कंपनी में आ जाता है, फिर आके चीफ कुक बन के फिर बड़े कंपनी में जाता है। तो अपने हिसाब से देख लेना। तो कुक का मैं बताऊं, अगर मुझसे पूछोगे तो कुक का बहुत अच्छा है। खाना बनाने में जिसका इंटरेस्ट है तो आप दिन भर खाना बनाओ और अपना काम करो, निकल जाओ, कोई मतलब धूप में जाना नहीं पड़ेगा, गर्मी में जाना नहीं पड़ेगा, आपको इंजनों में, आवाज में, साउंड में जाना नहीं पड़ेगा, आप अपना खाना बनाओ। लेकिन खाना बनाने भी बहुत टफ है, बहुत सारे आइटम्स बनाने पड़ते हैं इतने लोगों के लिए खाना, वो भी टफ है। लेकिन आपको अगर खाना बनाने में मजा आता है तो ऑब्वियसली कुकिंग लाइन बहुत अच्छा है, और सीसीएमसी करके आप जा सकते हो। मेरे भी बहुत सारे दोस्त है, वो पहले बार केएनके में किया, फिर उसके बाद आपका सीओसी जैसे निकल गया, फिर वो मतलब मेन फ्लीट में तो नहीं, एमबीसी में चला गया, उसको 25,000 मिल रहा था एज ए चीफ कुक, उसको प्रमोशन भी दे दिया, और खाना बनाने में उसको अच्छा आता है तो उसको सैलरी भी वगैरह बहुत सही मिल जाता है। और बहुत कोई मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी कुक थे जो कि भी केएनके में आए थे, 2-3 सेल किए केएनके में, अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस लिया, फिर जाके बाहर के कंपनी में चले गए। हो जाता है, मिल जाता है। और जो भी मतलब माइनॉरिटीज है, मतलब जो भी मुस्लिम बंदे हैं, वो अगर कुक बनते हैं तो उसका अरब में, मतलब सऊदी अरब वगैरह, ईरान, इराक में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट होता है, उधर मुस्लिम कुक ज्यादा मांगते। तो आप लोग देख लो अपने हिसाब से, कुक सही है, बहुत अच्छा है, आप लोग जा सकते हो। और भी कुछ डिटेल्स में पूछना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा या तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को दुर्गा पूजा का वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखो, मैं अगर देखूंगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। चलो बाय, टाटा।